हे गाइस, मिलिट्री बेस में जो भी ये तीन बिल्डिंग है, इन तीन बिल्डिंग पे तीन स्क्वाड उतरने वाली हैं। उनमें से पहली स्क्वाड ये और दूसरी स्क्वाड बिल्कुल मेरे पीछे और तीसरी बिल्कुल उसके साथ ही रहती है। अब ये तीन स्क्वाड उतर जाती है मिलिट्री बेस में मेरे साथ और ये तीनों स्क्वाड जो है अलग अलग घरों में उतर जाती हैं। यानी कि जो बीच में तीन बिल्डिंग है, तीनों बिल्डिंग में एक एक स्क्वाड उतर जाती है और हो सकता है कि उनका एक बंदा किसी दूसरी जगह पर उतर गया हो। सो यहाँ पर जो है कुल मिला के इन तीनों स्क्वाड को ख़त्म करना है मेरे को और विदाउट कैजुअल्टी यहाँ से निकलना है। अब देखना यह हुआ कि इन तीन स्क्वाड को मारने के बाद यहाँ पे और कितनी टीमें हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इन तीन घरों में नहीं बल्कि पीछे वाले बेस में भी बंदे उतरते हैं, तो वहाँ तक भी देखना पड़ेगा। अब सबसे पहले बारी है ये वाली बिल्डिंग में जो भी बंदे हैं उनकी। जैसे कि मैंने कहा था, इनका सारे बंदे एक ही बिल्डिंग में उतरे ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ बंदे इधर उधर भी भाग जाते हैं। सो एट द एंड देखना कि यहाँ से मैं कितने बंदे मार के निकलता हूँ, क्या मैं इन तीन टीमों को जो है मार भी पाता हूँ कि नहीं। फिलहाल बारी है दूसरी वाली बिल्डिंग की और यहाँ पर भी जो है अलग टीम आ चुकी है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या कर पाते बंद। अब मेरे सामने जो है काफ़ी सारे लोग फाइट कर रहे थे। पहले मैं कंफ्यूज हो गया था कि ये जो दो बंदे हैं ये किसके साथ फाइट कर रहे हैं, बट बाद में मेरे को पता लगता है कि इधर जो तीसरी वाली बिल्डिंग है वहाँ पे दो टीमें आपस में भिड़ गई हैं। मतलब तीनों को मेरे को मारना था बट तीनों मेरे से भिड़ने से पहले आपस में वैसे ही लड़ जाती हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, सीधा मैं भी उनकी बिल्डिंग में उनके साथ फ़ाइट लेने के लिए चला जाता हूँ। अब आगे जो होता है जस्ट देखो। यहाँ पे जो है बंदा मेरे सामने ही था, लेकिन यहाँ पे मेरे को इतना नहीं पता था कि यहाँ पे जो है कुछ और बंदे भी हैं जो कि छुपे हुए हैं। और अब यहाँ पे इसने मेरा किल चोरी कर लिया गाइस, अब सब कुछ छोड़ के इसको मारूंगा। अब जब तक मैं यहाँ पे इन टीमों को ख़त्म किया, इस दौरान जो है आई होप आपने भी जो है वीडियो को लाइक कर दिया होगा। अब जो आखिरी बंदा आया उसको भी फिनिश कर दिया गाइस। तो यहाँ पे जो है कुल मिला के एवरेज दो टीमें शायद ख़त्म हो चुकी हैं, हालांकि सब अलग अलग टीमों के बंदे थे यहाँ पे दो दो के उसमें। अब ये देखो ज़रा शॉक मोमेंट क्या रहता है यहाँ पर। और जैसे कि मैंने शुरू में कहा था गाइस, जरूरी नहीं है कि चारों के चारों बंदे एक साथ रहें स्क्वाड में, सब अलग अलग रहते हैं, तो इसलिए जो है इनके जो तीन टीमों के बचे हुए बंदे थे वो आजू बाजू ही थे यहाँ पे। अब एक टीम जो कि बिल्कुल पीछे वाली साइड उतरी थी, टावर वाली साइड, अब बारी है उस टीम की और वो टीम इधर ही रहती है। अब सबसे पहले मैंने यहाँ पे टावर वाले को ख़त्म किया और बारी है भाई उस टीम की, जिस टीम की मैं बात कर रहा था जो कि मेरे बिल्कुल सामने उतरी थी और वहीं पे फाइट ले रहे थे वो। और देखो जरा कैसे भरते हैं उनको। अब एक बंदे को मारने के बाद मेरी खुद की लोकेशन भी जो है रिवील हो जाती है और वो लोग भी जो है मेरे को मारने के लिए एकदम रेडी हो जाते हैं। सो देखो ऐसे में कैसे भरते हैं। अब ये दो तो मारे गए, लेकिन अब बारी है जो बचे हुए बंदे हैं उनको मारने की। और कहीं ना कहीं गाइज अभी मेरे को थोड़ा सा संभल के यहाँ पे रहना पड़ेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे बंदे जो यहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं। अब यहाँ पे सिर्फ एक से दो टीमें बची हुई हैं। अब जैसे मिलिट्री बेस में बंदे कम बचते हैं गाइस, तो होता ऐसा है कि जो बचे हुए बंदे हैं वो थोड़ा सा कैम्प करने लग जाते हैं और ऐसे में उनका एक ही मोटिव रहता है, जो भी यहाँ पे
मतलब ज़्यादा बंदे मार रहा है उसको मार ही देते कैसे ना कैसे कैम करके। सो ऐसे में थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि इतना पता नहीं है कि बंदे कहाँ कहाँ से किधर किधर हो सकते हैं। अब ऐसे में जब मैं टावर पे आता हूँ तो मेरे को यहाँ पे लगा था कि यार मैं चलो बॉडी लूट लूँगा ऊपर जाके, तो जैसे मैंने सामने स्कोपिंग किया मेरे को दिखा नहीं कोई, बट जैसे मैं उसको बॉडी को लूटने लगा तभी मेरे साथ ये होता है गाइस, और कहीं ना कहीं उस बॉडी से मेरे को जो है सामने वाले एनमी को थोड़ा सा कवर भी मिल गया था, सो उसको मैं देख नहीं पाया था ऐसे में। अब मैं दोबारा आता हूँ क्योंकि आपको पता है दूसरा मौका भी मिलता है। अब पहले वाले मौके में तो मेरे को पता नहीं था, लेकिन दूसरी बार मैं जो है थोड़ा सा सतर्क होकर ऊपर जाऊँगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो बॉडीज़ रहती हैं अब उनको लूटा, क्योंकि मेरे पास उतनी लूटती नहीं, सो सबसे पहले ये ऊपर वाली बॉडी लूट लेते, इसके पास अच्छी खासी लूट है। अब ऐसे में ना मेरे को नीचे में देख ही रहा था कोई मिल ही जाए, तभी मेरे को दो बंदे मिलते हैं और आई डोंट थिंक सो कि इन्होंने मेरे को मारा था, बट अब मैं ज़रूर इनको मारूंगा। अब इन दोनों को मारने के बाद एक बंदा अभी भी वहाँ पे नॉक पड़ा हुआ शायद, अब वो बच के निकल जाता है और उसको पता नहीं कौन ड्राइव देता है। अब वही बंदा वापस मेरे को मारने जरूर आएगा यहाँ पे, सो मैं वेट करता हूँ थोड़ा सा और उसके बाद फाइनली इनका आखिरी बंदा भी मारा जाता है। अब इन दिनों का नाम एक जैसा ही था तो इनको पहचानने में थोड़ा सा जो है ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई मेरे को। अब बारी है यहाँ से निकलने की गाइस। अब यहाँ तक तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन जब मैंने सोचा कि मैं ब्रिज क्रॉस करता हूँ, फिर मैंने सोचा यार बोट से क्रॉस करते हैं, और तभी मेरे को बोट सामने लगी हुई दिखती है और उसके बाद मेरे ऊपर फायर भी होता है। सो जैसे फायर हुआ तो मैं समझ गया मैं थोड़ा दूर लेके गया गाड़ी, फिर मैंने जैसे एंटिसिपेट किया कि बंदा जो है थोड़ा सा बोट के आसपास ही है कहीं पर, तो उसको मैं मार सकता हूँ 1v1 में, क्योंकि कोई दूसरा यहाँ पर मेरे को दिखा नहीं था जाते समय। अब बंदा इधर ही किधर है, लेकिन एक्चुअली लोकेशन उसकी पता नहीं है मेरे को, बट हाँ आसपास ही हो सकता है बंदा, तो मैं थोड़ा सा देखता हूँ और तभी जो है ये बंदा जो है कहीं और ही देख रहा था, मुझे नहीं पता ये यहाँ पे क्यों लेटा था, बट यही वो बंदा था जिसने थोड़ी देर पहले मेरे पे फायर किया था, और शायद ये ऑफलाइन हो गया था, इसका नेट चला गया था या फिर यहाँ पे ये कैम कर रहा था। आप ही बताओ मेरे को कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है। लेकिन जब मैंने ये ग्रोजा उठाई और उसके बाद जो है ब्रिज क्रॉस करना था, बट क्योंकि जोन इसी तरफ था तो ब्रिज क्रॉस करने की कोई ज़्यादा ज़रूरत थी नहीं, और ब्रिज से जो है एक एक करके काफ़ी सारी गाड़ियाँ जो है अंदर को आ जाती है, जैसे कि मैंने कहा था जो जो गोला है जो सर्कल है या जो अपन जोन जिसको बोलते हैं वो इधर ही है, कभी कभी जो है जोन निकलता नहीं मुझे, तो अब लोग जो है जोन के अंदर आ रहे थे। सो मैं वेट कर रहा था, अभी तभी मेरे सामने एक बंदा आता है और एक छत पर भी दिखता है मेरे को। अब थोड़ा सा वेट करता हूँ मैं यहाँ पर, और वो बंदे जो है पीक लेना बंद कर देते हैं। अब मैंने सोचा यार आगे जाना है तो भाई एक बंदे को तो मारना ही पड़ेगा, उसके लिए मैं उसको वेट करता हूँ, गाड़ी में बैठता हूँ, वापस नीचे उतरता हूँ और गाड़ी के साउंड से वो जो बंदा जो है थोड़ा सा वेट हो जाता है, उसको लगा कि मैं गाड़ी से निकलने वाला हूँ वहाँ से। सो अब मेरे को वहाँ पे जो है पुश करना पड़ेगा, क्योंकि वो दो बंदे हैं, एक बंदा इनका ब्रिज क्रॉस करके बगी से आया था वो भी उधर ही है अभी, और ऊपर मैंने एक बंदे को जिसको नॉक किया है वो भी उधर ही है, और तभी मेरे को जैसे मैं यहाँ पे आया तो पता चलता है कि भाई तीसरा बंदा भी इनका यहीं है, तो कुल मिला के इनकी सारी की सारी टीम यहीं थी। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा जो है फंस गया था, यहाँ पे कुछ कर भी नहीं सकते थे, पीछे भी नहीं जा सकते थे, सो यहाँ पे सिर्फ अब मेरे को फाइट लेना था। तभी एक बंदा नीचे आ जाता है, मैंने सोचा इजीली मार दूंगा, बट ये बंदा जो है लकीली बच जाता है, और एक बंदा पता नहीं कहाँ से लेकिन बिल्कुल राइट से निकला, और एक और चिकन मैंने आज फिर से मिस कर दिया। बट आई होप आपको स्टार्टिंग काफ़ी अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और मैं मिलता हूँ आपको ऐसी एक और दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाकी वीडियोज़ मेरी जो है चेकआउट कर सकते हो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देने गाइस। बाय।